नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार में अब कोरोना वायरस का जो आंकड़ा है वो 7000 के पार जा चुका है। खतरा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। संक्रमण के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट का एक ट्वीट है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ट्वीट में ये पुष्टि की गई है कि बिहार में 47 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद अब आंकड़ा 7040 हो चुका है। जिन जिलों में संक्रमण पहुँचा है उन जिलों की अगर बात करें तो जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपडेट दिए गए हैं, अररिया में एक मरीज मिला है, औरंगाबाद में 4, भागलपुर में 2, दरभंगा में 6, बक्सर में 2, गया में 2, जहानाबाद में 3, कैमूर में 1 और मुंगेर में 1 मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर में 1 मरीज, नवादा में 2, पटना में 13 मरीज मिले हैं, रोहतास में 2, सहरसा में 1, सिवान में 1, वैशाली में 5। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपडेट दिए गए इस चार्ट को, तो पटना जहां पर मरीज पहले कम मिल रहे थे, अब वहां पर संक्रमण सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पटना की अगर हम बात करें तो पटना के बाढ़ में 5 मरीज मिले हैं, संपतचक में 1, पटना सिटी में 3 और मरीज मिले हैं, इसके साथ ही साथ दानापुर में 1 नया मरीज मिला है। तो कहीं ना कहीं पटना में संक्रमण बढ़ रहा है। पहले कुम्हरार, फुलवारी शरीफ, दीघा, नौबतपुर, इन इलाकों में मरीज मिल रहे थे, लेकिन अब पटना सिटी में भी मरीज मिलने लगे हैं। पटना सिटी में 3 और संपतचक एक नया इलाका जुड़ गया है पटना का, जहां पर मरीज मिला है कोरोना पॉजिटिव का। तो बिहार में ये आंकड़ा है, अररिया में 1, औरंगाबाद में 4, भागलपुर में 2, दरभंगा में 6, बक्सर में 2, गया में 2, जहानाबाद में 3, कैमूर में 1, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 1, नवादा में 2, पटना में 13, रोहतास में 2, सहरसा में 1, सिवान में 1, वैशाली में 5। तो ये कोरोना पॉजिटिव मरीज जो मिल रहे हैं, इनके संक्रमण को खंगाला जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। आपको बता दें कि बिहार में क्वारंटीन सेंटरों को बंद करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये बातें कही गई हैं कि जो प्रवासी हैं वो आने बंद हो चुके हैं। आपको बता दें, खबरें तो ऐसी भी हैं कि प्रवासी आने के बाद अब लौटने भी लगे हैं अपने काम में, जहां से वो लोग आए थे बिहार, फैक्ट्रियां बंद हो जाने के बाद। लेकिन बिहार में रोज़गार नहीं मिलने की वजह से उन लोग की वापसी भी हो रही है। इधर हाई प्रोफाइल एक केस भी सामने आया है। राजद के सीनियर लीडर हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, वो फिलहाल पटना एम्स में एडमिट हैं, उनको भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है, और उनके साथ साथ 4 लोग जो उनको एम्स पहुँचाए गए थे वो आइसोलेशन में है। इसके साथ ही साथ उनके परिवार के लोगों के भी कोरोना टेस्ट कराने की बात सामने आ रही है। तो बिहार में ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और देखने वाली बात हुई कि इस संक्रमण पर काबू कब तक पाया जा सकता है। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, हमको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।